नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। और दोस्तों, वीडियो के टाइटल थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, बहुत ही प्यारा भजन या मैं कहूं आरती है। दोस्तों, इसकी भजन की या आरती की मैं बात करूं ओरिजिनल स्केल की, तो वो है डी शार्प और माइनर, यानी कि मध्य सप्तक की दूसरी काली से ये गाया गया है ओरिजिनली। लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं इसको पहली काली यानी कि सी शार्प माइनर से मैं आपको इसको प्ले करके बता रहा हूं। लास्ट में मैं आपको डी शार्प माइनर से भी एक बार प्ले करके बता दूंगा अस्थाई और अंतरा। तो दोस्तों शुरू करें, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल या वीडियो पर आप पहली बार हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही दबा दें बेल के निशान को, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए दोस्तों, सुरों की बात करते हैं तो याद करिए थाट काफी। थाट काफी में गा और नी यानी गांधार और निषाद है वो कोमल है, बाकी सुर है वो शुद्ध है। ये मेरा सा है यानी पहली काली, उसके बाद में रे, फिर गा कोमल, मा पा धा शुद्ध, नी कोमल और सा, और तार सप्तक में रे तक हम जाते हैं कण के रूप में। मंद्र सप्तक में देखूं तो नी कोमल एक सुर है, यानी वही थाट काफी के हिसाब से नी कोमल गा और नी, तो नी कोमल सारे गा कोमल मा पा धा नी और सा। किस प्रकार से है मैं आपको एक बार गुनगुना के बताता हूं, फिर उसके बारे में आप समझिएगा। बहुत आसान पैटर्न है। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे हो काना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये इसके अस्थाई का अंदाज है। आप देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी चीज है। गुजारिश रहेगी मेरी आपसे कि आप जरूर इसको तैयार करें। तो ये मैंने सागा पा लिया, पासे जाऊंगा सीधा सा पे। हे गोपाल पासा नी पा, हे गोपाल कृष्ण करूं पमा, कृष्ण करूं पमा गमा गरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, सा नी पा गा मा गा रे सा नी सा गा रे सा। इसमें थोड़ा सा आप चीज को समझना कि मैं कण लगाऊंगा तो किस प्रकार से खूबसूरती बढ़ती है, और कण को मैं नहीं लगाता हूं तो भी काम हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं होती है। तो देखिए, हे गोपाल कृष्ण करूं पासा नी पा किया, कृष्ण करूं गामा गरे, एक चीज तो ये हो गया, पासा नी पा मा गामा गरे, पा मा गामा गरे पापे था मा गामा गरे, मा गामा गरे आरती तेरी रे सा नी सा रे गा रे रे सा। यहां पर मैं हर सुर को टच करके लेके जा रहा हूं और बगैर टच किए भी काम होता है, लेकिन देखिए, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, ये भी है अच्छा है। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, पासा नी पा गा मा गा रे नी सा रे गा रे सा। ये हमारा अस्थाई का पहले लाइन, और उसके बाद में तुझे पे ओ काना सारे सानी सारे सारे सानी सारे सारे सानी सारे तुझे पे ओ काना, फिर बलि बलि जाऊं रे मा नी पा मा गा मा गा रे सा सा सारे सानी सारे, और मैं ये कॉर्ड ले सकता हूं नीरे मां बली बली
रे मानी पा बले बले जा आओ रे मानी पा मगा मगा रे सा बस और फिर वही पैटर्न प्रेम अस्थाई कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम अंतरा की बात करें तो एक पैटर्न और तैयार करना है, अपना कमाल यानी कंप्लीट हो जाएगा। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। एक ये पैटर्न और करना है, ऐसी दो लाइनें चलती हैं फिर वही पैटर्न शुरू हो जाता है। ये माटी का पमगम पापा तन है ते तन है तेरा पमगम पापा पमगम धाधा पमगम पापा पमगम धाधा पमगम पापा पमगम धाधा मन और प्राण भी तेरे दादा दानी सानी दपा। और फिर अगली लाइन भी सेम चलती है। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी तुझ पे हो कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। अगली जो लाइन है यानी अंतरा है बहुत आसान है, वो भी देखिए। हो काना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तो ये हमारे पूरा भजन कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि इसको मैं डी शार्प से देखूं तो डी शार्प में देखिए ये सा रे गा कोमल मापा धा शुद्ध नी कोमल और सा। मैं आपको बगैर गाए एक बार प्ले करके बता देता हूँ इस स्केल से।
प्यार करिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।